All right, friends. A different setup, and as you can see, I'm in a pirate mode today. And from the ingredients which you see lying on the table, there is no other clue than the only one that I am going to make my recipe of Bay Rum today. A new batch. Now I had a batch already, which I transferred this to PET bottles, plastic bottles. I made it in this glass jar, which I am also going to make it in today. And new Bay Rum. So what all ingredients do we have? We have the rum. I am using the Captain Morgan original rum. Then I have the perfumer's alcohol. I am not going to add any water at this point of time in my Bay Rum. I am going to make it very concentrated so that I can dilute it when it is mature. I have Dabur Gulabari rose water. I have sweet orange essential oil. This is the lime essential oil. Now orange and lime would give it a citrus twist. Then I have the bay essential oil. Now this bay is not the Indian tej patta. Ye Indian tej patte wala bay nahi hai. Ye pimenta racemosa hai. Pimenta racemosa jo hai, wo West Indies wala jo bay ka patta hota hai, hara. Sukha nahi, hara, taza, usko kehte hai. Wo apne paas milta nahi hai. So that's why I'm going to use this bay essential oil, pimenta racemosa. Of course, for some cooling, I am going to add peppermint essential oil. If at the end, when my liquid is mature, if I feel the cooling is less, I'll add some menthol crystals or some more essential oil of peppermint. What is? I have cloves. Some cloves here. And I have anise seeds. Star anise and cinnamon, if you can see. इसको हिंदी में बाड़ियां बोलते हैं और ये हमारी दालचीनी है. सो ये तीन स्पाइसेस यूज करूंगा मैं और होल स्पाइसेस, अखे स्पाइसेस. और फिर ये मेरे पास जमैकन ऑल स्पाइस पाउडर है. ऑल स्पाइस मुझे मिला नहीं, इसको कबाब चीनी भी बोलते हैं हिंदी में, या इन इंग्लिश इट इज नोन एज पिपर क्यूबेबा. बट आई डिड नॉट हैव द होल स्पाइस विद मी, सो आई हैव दिस जमैकन ऑल स्पाइस पाउडर. ऑलराइट, a dropper for taking the peppermint essential oil, because I don't have a dropper in that, and some surgical spirit, which is isopropyl alcohol, to decontaminate or just to sanitize this dropper. How do we start? Okay, so glass jar aapko kholna hai. Isme hum sabse pehle bahut hi achhi khushbu hai, thodi si छह सात या जैसे आप चाहे, इसकी कोई यू नो कोई मात्रा नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो. तो मैंने लगभग इतनी बाड़ियां डाल दी है. उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि ये दालचीनी टूटे. जैसे दालचीनी को थोड़ा दो में तोड़ के इतनी दालचीनी डाली है. लौंग मैं लगभग इतनी डाल रहा हूँ. मैं अपने Bay Rum में लौंग थोड़े ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि क्लोवी जनरली आई यूज दिस इन विंटर्स, सो क्लोव गिव्स अ गुड हिंट, गुड हिट. और ये अच्छी खुशबू, पर इस बार थोड़ी कम डाली मैंने, ज्यादा नहीं डाली. ओके, और जमैकन ऑल स्पाइस पाउडर, इसको मैं थोड़ा चम्मच पे लेता हूँ. बराबर थोड़ी सी ढुल गई, कोई बात नहीं. लगभग ऐसे दो चमचे मैं डालूंगा इसमें पाउडर. देखिए Bay Rum बनाने की और घर पे बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप, अब ये जो मिक्सचर बन जाएगा लिक्विड वगैरह सब डालने के बाद में, तो आप इसको कम से कम दो वीक सिर्फ ढक्कन बंद रखकर हिलाते रहिए, खोल के सूंघना नहीं बार बार. दो वीक्स के बाद लगभग दो से तीन वीक्स के बीच में मैच्योर होने लगेगा. फिर आप इसको हिला हिला के इसका एरोमा लीजिए. अगर आपको कोई स्पाइस ज्यादा चाहिए तो आप वो स्पाइस ज्यादा ऐड करके उसको दो वीक और मैच्योर कीजिए, वरना आपकी Bay Rum तैयार हो जाएगी. ओके, सो ऑफकोर्स रम.
Captain Morgan. Yeah, normal rum. लगभग इतनी रम डाली है मैंने. स्पाइस काफी अच्छा आ रहा है इसमें से. एरोमा. अब मैं डालूंगा ये परफ्यूमर्स अल्कोहल. ओके ओके. डिफिकल्ट टू टेक दिस आउट बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरकीब लगाकर इसको निकालेंगे. ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप डायरेक्टली सूंघिए मत, इसको आप सिर्फ डाल दीजिए. तो ये परफ्यूमर अल्कोहल डल गया. ये देखिए काफी बेरमी काइंड ऑफ मिक्सचर बन गया ये. और इसके बाद में अब हम ऐड करेंगे हमारे एसेंशियल ऑयल्स. तो आप बे एसेंशियल ऑयल्स से स्टार्ट कीजिए. बे एसेंशियल ऑयल कम से कम 30-40 बूंद डालिए. मैंने अंदाजे से डाल दी. अब इसमें हम डालेंगे लाइम एसेंशियल ऑयल. लगभग इतना. उसके बाद में ऑरेंज एसेंशियल ऑयल. बहुत अच्छी खुशबू इधर ही आने लगी. इट्स स्मेलिंग वेरी एरोमेटिक विथ द स्पाइस द रम. लगभग 10 से 12 बूंद ये डालती. और फिर अब डालेंगे हम पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल. मैं पूरा इतना भर के डालूंगा. तो एक दो, थोड़ी एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए तीन. सो ये हमारे हो गए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी हमने डाल दिया है. तो इसका कैप क्लोज कर देता हूं. ओ माय गॉड. पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डालने के बाद में तो इसका मिक्सचर ऐसा हो जाता है जैसे कि बहुत ही शानदार खुशबू आती है. ब्यूटीफुल. थोड़ा सा चम्मच से हिला देता हूँ ताकि सारा स्पाइस मिक्सचर मिक्स हो जाए. और अब जो हमारा एक इंग्रेडिएंट बचा है डाबर गुलाबरी, वो भी थोड़ा सा डाल देंगे. ये बेसिकली टोनिंग के लिए है. तो आपका अब ये बेरम का लिक्विड तैयार है. इसको आपने एक कैबिनेट में रखना है जहां पे उजाला बिल्कुल ना हो, अंधेरा हो, कहीं पीछे अलमारी में इसको ढक के रखें. और इसको हर 3-4 दिन में, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको ऐसे करके हिलाते रहे ताकि मिक्सचर पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए. उससे क्या होगा कि जो भी हमने स्पाइस डाले थे इसमें, उसका जो एसेंशियल ऑयल होगा वो अल्कोहल, रम के अंदर का अल्कोहल और जो परफ्यूमर्स अल्कोहल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके सारे एसेंशियल ऑयल इसमें आ जाएंगे. और जो हमने ऑलरेडी एसेंशियल ऑयल डाले हैं, प्योर एसेंशियल ऑयल प्लस जमैकन पाउडर, उसके भी एसेंशियल ऑयल्स का अच्छा सा एक ब्लेंड बन के इसमें लिक्विड में तैयार हो जाएगा. 3-4 हफ्ते के बाद में जब ये मिक्सचर मैच्योर हो जाएगा तब हम ये स्पाइस का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा निकाल देंगे और हमारे पास इस तरह का लिक्विड बेरम बन जाएगा. फिर आपने क्या करना है, वैसे तो मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ बट मैंने एक्चुअली इसमें वेनिला भी डाला था जब पिछले साल बनाई थी ये.
अभी भी से पेपरमिंट ऑयल की सुगंध है, बड़ा आफ्टर एक साल के बाद, उसके बाद ये मिक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आपने हल्का सा लेना है और ये लगा लेना है। वाह, सो इस तरह का ये मिक्सचर बन जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू देगा। चाहे तो आप इसमें ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं फॉर अ बिट ऑफ मॉइस्चर, नहीं डालना तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपका अपना है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ये वाला बैच, और ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा तो आई एम श्योर मुझे इसको डायल्यूट करना पड़ेगा बाद में परफ्यूमर्स अल्कोहल से और थोड़े बहुत गुलाबरी से, तो वो मैं लेकिन 3 से 4 हफ्ते के बाद में करूँगा। लेकिन आज ये बेसिक बेरम की रेसिपी मैंने आपको बता दी है। दिस इज माई सीक्रेट ऑफ बेरम रेसिपी इंस्पायर्ड बाय मेनी अदर्स एंड माई रीडिंग्स। वाओ मैन, विद द पेपरमिंट ऑयल आई एम फीलिंग कूलिंग ऑल ओवर माय फेस एंड नेक, ब्यूटीफुल। अगर आप ये लगाते हो तो आपको नवरत्न तेल वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं, आप बालों में भी लगा सकते हो डायरेक्टली, ये बहुत ठंडा कर देता है पेपरमिंट ऑयल के कारण। सो अब हम इसको 4 हफ्ते तक मैच्योर करेंगे एंड वी विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 4 वीक्स व्हाट वी हैव गॉट। वी विल फाइनल आउट द ऑर्गेनिक मैटर एंड वी विल सी हाउ द लिक्विड हैज द पोटेंसी ऑफ एरोमा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद। और जो लोग भी, जो भी सब्सक्राइबर्स, जो दोस्त पूछ रहे थे कि बेरम कैसे बनाते हैं, आपकी क्या रेसिपी है, तो ये मेरी रेसिपी है। चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कॉमेंट भी जरूर दीजिए, और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो कीप अप द गुड शेयर एंड कीप मेकिंग गुड परफ्यूम्स लाइक दिस, कीप गुड कलोन्स एंड गुड आफ्टरशेव्स लाइक दिस। So, अगर आप इंडिया में हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बेरम बना नहीं सकते, आपको मिल नहीं सकती, आप अपने घर पे ही बेरम बना सकते हैं। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स बेरम के लिए जरूरी है वो सारे अपने पास भारत में अवेलेबल है। So, keep experimenting. Thank you very much. Bye bye.